मुंह पे मेरे को दिख नहीं रहा है, खुद की विजिबिलिटी जीरो है, क्यों देखो इतने बड़े हो गए। मैगी जी मैगी की शक्ल देख रहे हो, अरे बचा लो मुझे। यहाँ पे है दो ओरियो शिंचन, वहाँ पे है, तो टोटल हमारे पास कितने पग हो गए? 10 पग। भाई साहब देख रहे हो हमारे पास 10 पग है, 10 है। वैक्सीनेशन लग रही है, लो जी इसको तो पता भी नहीं लगा इनको, ये मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। और ये ओरियो को देखो हमने कहाँ डाल दिया, ओरियो चरारते ज्यादा करता ना। Hey, yo, what's up everybody, क्या हाल चाल। आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा ही खास होने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि मैं घर पर हूँ और आज बारी है बच्चों का ब्लॉग बनाने की। तो बेसिकली मैगी का आपको पता है कि मैगी के पपीज हुए हुए हैं, जो कि एक ना आज 6 पपीज हुए हैं और 6 के 6 ने हंगामा डाला हुआ घर पे। तो पपीज ऑलमोस्ट 40-45 डेज के बीच में है और पूरे एक्टिव, खेलने कूदने मतलब हर हरकतें करने लग गए हैं। आज जो है बहुत टाइम के बाद आज आपको मैगी के बच्चों से मिलवाने वाला हूँ। सो मेक श्योर अगर व्लॉग अच्छा लगते हो हिट द लाइक बटन। तो ज्यादा समय लेते हैं, व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करते करते मैं आपको एक बार ओरियो और शिनचैन से मिलवा देता हूँ। ओके गाइस, सो ये रहे दोनों के दोनों शैतान बच्चे। और आई डोंट नो व्हाई मेरी जो फुटेज है थोड़ी ज्यादा वाइट आ रही है थोड़ा कोई कैमरा की सेटिंग वेटिंग बिगड़ गई होगी। और यो शिनचैन इधर आओ, देखो दोनों के दोनों सेंटा बने हुए हैं, रेड रेड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मम्मा कैसे हो? मम्मा ने खुद टॉप कैप आई हुई रेड कलर की, पापा भी सेंटा बने हुए, सारे घर वाले आज सेंटा क्लॉज बने हुए हैं। और यो देखो ना वो, हाँ तो गाइस पग देखे होंगे आपने, पर ओरियो से कम कर। बट हाँ एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ओरियो को भी अभी एक बंदा चैलेंज दे रहा है जो कि उस ग्रुप में है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन सा बच्चा जो ओरियो तक को चैलेंज दे रहा है शरारतों के अंदर, तो मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। हाँ शीनी टीन चैन, वो देखो कूदता हुआ है। हाँ वो देखो उसको नीचे जाना है, एक सेकंड के अंदर ना ये बंदा 10 काम कर देता है, ये लड़का 10 काम एक सेकंड में, है ना नीचे का। इसकी टेल देखना, पग बहुत ज्यादा लविंग ब्रीड होती है गाइस, ये चीज तो मैंने देख ली है। ओए ओरियो शिनचैन, ए ए वो देख, ए वो देखो ए। मीमी भी सेम ऐसा करती है, सारे के सारे मेरे जितने बच्चे हैं शरारती सारे के सारे ऐसे हरकतें करते हैं। हाँ वो देखो, ओह अब वो उसके पीछे लग जाएगा। अरे 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 ब्रेक नहीं लग रही इसकी। हाँ वो देखो मुंह पे इसको दिख नहीं रहा है, खुद की विजिबिलिटी जीरो है, क्यों देखो खुद की विजिबिलिटी पहुंच गया पर अपनी जगह पे देखो खुद की विजिबिलिटी जीरो है इसकी। ओके गाइस, सो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मानित और अनन्या के घर। कैसे हो मानित? अनन्या कैसे हो? और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर है मैगी। मैगी देख लो कैसे चढ़ रही है उसके ऊपर, डर भी है। आजो 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 आजो। तो मैगी आप हमें बताएं आपके, मैगी आप हमें बताएं आपके बच्चे कहाँ पे हैं? हाँ जी किधर आपके बच्चे? वो रहे गाइस, और यहाँ पे हमारा कैडबरी भी है, कैडबरी को भी मैंने बनवाया है। ये देखो ये रहे वो सारे के सारे शैतान बच्चे। ये देखो ये सारे अपनी माँ के पीछे पड़े हैं, मैगी को ये ऐसे दबोच के रखते हैं ना गाइस, देखना कितने बड़े हो गए। मैगी जी मैगी की शक्ल देख रहे हो, अरे बचा लो मुझे। वो देख रहे हो मैगी के साथ तो ये सारे के सारे पीछे। वो देखो गिर गया। हाँ जी वो देखो मैगी के साथ ना चिपड़ गए। हाँ ओए ये पूरे लड़ाइयाँ करते हैं ना मैगी के साथ। और देखो धूप आ गई आज और उसके, ये तो ये कौन से वाला है जो लड़ता है मैगी के साथ? ये रोमियो है। रोमियो है, अरे वाह। रोमियो तो, और पंपकिन लड़ते हैं। अगर आपको इनका नाम नहीं पता तो आपको वो ब्लॉग देखना पड़ेगा जिसमें हमने इनका नाम रखा है गाइस। आए वो देखो गुस्सा देख रहे हो उस बंदे में। ऊपर फ्रूटी को देखो मैगी को पट्टा पकड़ के बैठी। हाँ फ्रूटी फ्रूटी अलग ही मस्ती में। वो देखो दूध दूध पी रहा है नीचे वाला एक। हाँ तो अभी मैं एक एक करके आपको सबसे फिर से मिलवाता हूँ, सबको फिर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, सबके आपको नाम बताते हैं। मानिक आप बताओ भाई एक एक करके सबका नाम बताओ, कौन कौन सा कौन सा। उतारो निकालो इसको बाहर निकाल के दिखाओ सबको ऐसे। शीरो ये है, शीरो ये सबसे पहले। अरे हाँ ये एप्पल, एप्पल सेकंड, ये सेकंड वाला है एप्पल। हेलो एप्पल। ये रही तीसरी, ये रही हमारी फ्रूटी। तो फ्रूटी गाइस आपको बता दूं कि फ्रूटी आगे हमारे फैमिली मेंबर ही बनने वाली है, हमारी फैमिली का एक पार्टी बनने वाली है ना फ्रूटी। और उसके बाद अभी बाद तीन वाइट कलर में हो गए, फोन कलर में हो गए, अब तीन ब्लैक कलर में है जो कोको कोको। ये रहा हमारा बॉय कोको, पापा इसको बोलते जेम्सन जेम्सन।
ये है कोको उर्फ जेमसन। चलो ठीक है, और इनमें से रोमियो कौन सा है? इतनी शरारते करते हैं इनकी, शरारतों की कोई हद नहीं है। तो ये देखो ये सारे के सारे ना मस्तियां कर रहे हैं। अच्छा भाभी ने ना एक चीज, भाभी इनको दिखाना वो कहाँ है जो तैयार किया है, एक लड़का कहाँ है वो जिसने कपड़े पाए हैं। तो गाइस हमने जो है इनका एक जुगाड़ लगाया है इनको ठंड से बचाने के लिए। इनको सॉक्स से ना काट के, नई सॉक्स हमने ली और उसको काट के हमने इनके कपड़े बना दिए। वो देखो औरों को भी पहना रहे हैं, ये देखो देखो हा, तो अभी एक एक करके देखो सारों को कपड़े बना रहे हैं। वो देखो ये ऐसे करके, अरे अरे लड़ पड़े हाँ वो देखो लड़ पड़े भाई, ये ऐसे ही लड़ते हैं भाई। ये देखो कितने एक्टिव हो गए हैं। वाह ये देखो एक को पहना दिया, अब ये दूसरे की बारी, फ्रूटी ये फ्रूटी की बारी भाई, फ्रूटी को भी कपड़े पहना दिए। लो जी हमने गाइस, तो ये ऐसे कुछ हमने ठंड से बचाने का इनका जुगाड़ लगाया हुआ है। गाइस इनको अभी फिलहाल जो है हम लेकर जाने वाले हैं वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर सरदाना जी के यहाँ। तो बस अभी निकलते हैं हम कुरुक्षेत्रा के लिए और वहाँ पर जाके इन सभी बच्चों की आज वैक्सीनेशन होगी, इनकी मेन वैक्सीनेशन होगी। इससे पहले हमने इनकी पप्पी डीपी की थी, इनकी पहली वैक्सीनेशन होने वाली है। सो आज इनको हम बाबू बाबू बना के लेके जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। हाँ जी देखो सारे के करके कपड़े पहन के वो गिर रहे हैं, गिरते पड़ते रहते हैं पूरे दिन। हाँ ओके गाइस, सो कैडबरी आ गया है हमारा कैडबरी। हेलो हेलो मेरा बेटा कैडबरी। हाँ जी कैडबरी। हाँ जी तो कैडबरी की इनके साथ पक्की दोस्ती और दुश्मनी दोनों चल रही है। तो घर में देख रहे हो पग ही पग हुए पड़े हैं, हाउस फुल ऑफ पग कह सकते हैं आप इसको, है ना। टोटल 8 पग्स हैं हमारे पास, 8 यहाँ पे है, 2 ओरियो शिंचन वहाँ पे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पग हो गए? 10 पग्स भाई साहब, देख रहे हो हमारे पास 10 पग है, 10 छोटी मोटी बात नहीं होती, 10 पग रखना। ओए हाँ बोंदू बच्चे हाँ बोंदू बच्चे हाँ देखो वो लड़ पड़े नहीं मारना, फ्रूटी मार रही है फ्रूट। अच्छा फ्रूटी अपनी मम्मी को, फ्रूटी की अपनी मम्मी के साथ बढ़िया लड़ाइयाँ बसती रहती है ना। चलो गाइस तो अभी इनको फिलहाल सभी को लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र, इन सबकी वैक्सीनेशन कराते हैं। A few moments later. Okay, तो guys हम पहुंच चुके हैं हमारे डॉक्टर साहब के पास। कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बढ़िया, तुम सुनाओ कैसे? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो ये रहे वो सारे के सारे शैतान जो लास्ट टाइम हिल भी नहीं पा रहे थे और अब इनको पकड़ना इतना टफ हो गया ना कि आप इनको पकड़ नहीं सकते। देखो पुलकित ये मतलब जो क्वालिटी होती है ना वो देखो अपने आप को बताती है, देखो बच्चों में मतलब मजा आ गया देख के बच्चे ना। तो यार मतलब ये चीज मेरा बहुत बड़ा बहुत बढ़िया डिसीजन, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमें जो है जो इनका फादर था ग्लॉक उससे क्रॉस करवाने का, बिकॉज ग्लॉक की बहुत प्यारे बच्चे आए और बहुत ही रिंकल। तो देखो एक चीज है ना कि रिंकल ब्लैक में भी इतने रिंकल दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ब्लैक पपीज में इतने खास रिंकल दिखा करते हैं डॉक्टर साहब, है ना। बहुत अच्छे मतलब एक्चुअली उनमें ना होते हैं, दिखाई नहीं देते। हाँ मतलब अच्छी बात है कि इनमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ एक ओरियो है और एक ये बच्चे देखे हैं मैंने जिनमें रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये ऑलमोस्ट अभी पपीज 40 डेज के प्लस हो गए हैं, तो अभी इनकी पहली पैसे पपी डीपी हमने पहले लास्ट टाइम कर दी थी। तो अभी ना मैं 7-in-1 का इंजेक्शन लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके साथ में हम करेंगे इनकी डिवर्मिंग जो लास्ट टाइम की थी वो अब रिपीट होगी डिवर्मिंग, ठीक है, ताकि पपीज में कोई वर्म लोड हो उसकी वजह से कई बार वैक्सीन काम नहीं करती ढंग से। तो डॉक्टर साहब मैं ये चीज पूछूंगा कि अभी वैक्सीनेशन के बाद दे आर रेडी टू मूव टू देयर होम, राइट? जो इसको अडॉप्ट करना चाहे या लेना चाहे हाँ। वो इसको ले सकता है। एक पुलकित मैं थोड़ा सा तुम्हारे व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूंगा, कुछ जो नए डॉग ओनर होते हैं जो नए पपी लेते हैं उनको एक मेरी ये मतलब इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी आप बच्चा खरीदते हो उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके आते हो या कैसे भी करते हो तो ज्यादा लोगों को टच ना करना है, ठीक है। पपी कहीं से भी इन्फेक्शन पिक कर लेते हैं। हमारे सामने जब ये पपीज को हमने रखा है हमने सारा ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन किया टेबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेक श्योर भी किसी भी वेटनेरियन के पास आप जाते हो पपी की वैक्सीनेशन के लिए तो ओवरलॉग ना टच करे पपी, तो उसको अपनी मतलब कैरी करके जाओ। जैसे हमने इसको हमने इनको बास्केट में रखा और ये कोशिश करो कि जब वो टेबल हो वो बिल्कुल हाइजीनिक हो,
जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक थोड़ा सा रिस्क रहता है, जो पपी वैक्सीनेटेड हो गया उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और एक और चक्कर होता है कि जो वैक्सीन, जैसे आज पपी को वैक्सीन लगी, हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगते उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, हाँ। वो वैक्सीन अंदर जाती है, वर्क करती है, 21 डेज के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है। ओके, तब तक पपी को किसी भी टाइप की स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए। स्ट्रेस मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करवानी, मतलब 5-6 घंटे ट्रैवल लगातार नहीं करवाना, एक आध घंटा चल सकता है अगर नॉर्मली गोदी में बिठा के ले जाए। सब चीजों से बचा के रखना है, वैक्सीन तभी वर्क करेगी जब बच्चा स्ट्रेस फ्री है। फ्रूति बेटा, अले फ्रूटी, देखो फ्रूटी की और मानित की आपस में बहुत बनती है, देखो वो उसके साथ कैसे चिपक रही है, ऐसे हग कर रही है उसको। हाँ, हग कर रहे हो। तो मानित जो है खतरनाक पोर डॉग लवर है मेरे बाद, मतलब ऐसा लगता है घर में एक डॉग लवर और तैयार कर दिया हमने, है ना, है ना। ओके गाइस, तो दोनों की बारी आ गई है, अभी पहले एप्पल और शीरो को जो है वैक्सीनेशन लग रही है। लो जी, शीरो इसको तो पता भी नहीं लगा। लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा, लड़का चेक कर रहा है कि हुआ क्या। दूसरा ले आ। लो जी, अब बारी आ जा एप्पल, एप्पल की, एप्पल डर रहा है। लो जी, शीरो का हमने अंदर कर दिया है, अभी बारी है एप्पल की। हाँ जी एप्पल, ए लो जी, तो देखना फ्रूटी जो है प्यार ले रही है आराम से। हाँ देखो, प्यार करो ना उसको, देख मानिक को पलट के प्यार करती है मानिक को। हाँ हाँ, फ्रूटी बड़ी लविंग है गाइस, तो फ्रूटी के साथ हमें बड़ा मजा आने वाला है। ओए 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 ओए, इसने भी करा, ये दोनों के दोनों रोए हैं। इसने कम करा, चलो अब पहले कौन होए थे भाई, पहले कौन होया था? पहले आया था शीरो, उसके बाद एप्पल, अब फ्रूटी हुई थी, अभी एक कोको है। अब कोको और पंपकिन, रोमी और पंपकिन रह गए। ये लो जी, अब इनकी सबकी डिवॉर्मिंग भी कर दी है गाइस हमने, और ये दोनों के दोनों रह गए। हाँ भाई, दिखने में है ना, काले काले से तो दिख भी नहीं रहे, इधर से आता हूँ, लाइट थोड़ी ज्यादा पड़ेगी इनको। हाँ, जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है वहाँ टिल्ट हो रहे हैं, पीछे चलते चलते। ओके गाइस, सो फाइनली हम इनको वैक्सीनेशन लगवाकर घर पर आ चुके हैं, और नीचे देख सकते हो ये सारे के सारे बच्चे खेल रहे हैं हमारे, और ये और चिंचन के साथ। चिंचन देखो कैसे बैठा है, शिनचैन इतने सारे पप्पी कैसे आ गए, शिनचैन के पप्पी तो नहीं है ये, शिनचैन बेसिकली इन बच्चों का शिनचैन जो है नानू है, देख रहे हो शिनचैन इतना ओल्ड हो गया कि ये नानू बन चुका है। सो यार हमारे पास ऑब्वियसली, मैं जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में बात कर रहा था, 10 पप्पी हैं, 10 मतलब डॉग्स हैं, 10 के 10 पग है, तो इट्स नॉट ईजी टू हैंडल 10 पग्स, तो बहुत मेहनत लगती है मम्मा की, भाभी की, और भाई की, और इन सब बच्चों की बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, हम सभी के म्यूचुअल एफर्ट्स की वजह से ये बच्चे सारे ऐसे तंदुरुस्त हो पाए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि पग के पपीज ना ज़्यादा हैवी होते नहीं है, बट आप इस बंदर को देखो, हमारे पंपकिन को, हमारे पंपकिन यानी कद्दू को देखो, पंजाबी में कहते हैं कद्दू हो गया खा खा के, ये असलियत में पंपकिन है। हाँ पंपकिन, इसका नाम ही पंपकिन है, और ये सिर्फ अब ना ये थोड़ा थोड़ा डॉग फूड खाने लग गए हैं गाइस, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है इनकी न्यूट्रिशन पूरी कराने में। ओके गाइस, तो ये सभी हम एक फोटो करा रहे थे, और ये देखना इनको, ये मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, और ये ओरियो को देखो हमने कहाँ डाल दिया, ओरियो शरारते ज़्यादा करता था ओरियो को, और ये हाँ जी। तो गाइस आई होप आपको प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, हाँ। सो विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड हाँ, इनके साथ हमने एक बहुत प्यारी सी फोटो की है, वो जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू हैव टू चेक माई इंस्टाग्राम, और बहुत एपिक रिएक्शन रहा है। पांडा रखना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खेलो खेलो खेलो, वो देखो वो बेड पे जाके बैठ गया, ये आपके बेड पे बैठ गया भाई साहब। ये गाइस, ये जो ना मैगी का ऐसा खून पीते हैं ना ये, बाकी चलो कोई नहीं, इन फ्यूचर आपको और ब्लॉग्स में दिखाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट।